Good morning, myself Love Kaushik. The topic of my today's presentation is cybersecurity. See, the situation we are dealing with, we all have smartphones, we all have tablets, we all have laptops, and we are all connected with the internet. So in this era of connectivity, all we need is cybersecurity. Because हमको नहीं पता हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, हम कहाँ ब्राउज कर रहे हैं, वहाँ कितनी सिक्योरिटी, हमको नहीं पता इस चीज़ के बारे में. सो द अर्जेंट नीड फॉर टुडे इज साइबर सिक्योरिटी. एंड व्हेन वी हर्ड हियर द वर्ड साइबर सिक्योरिटी, जब भी हम के बारे में सुनते हैं, सो व्हाट कम्स टू आवर माइंड इज हैकिंग, हाई लेवल कोडिंग और समथिंग एल्स. बट दैट्स नॉट ट्रू. वी कैन अकम्प्लिश दिस टास्क और वी कैन यू नो अचीव दिस साइबर सिक्योरिटी इन फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑल्सो. Like we can do our individual steps. Like we can browse safely. We can use incognito modes. About the threats or the vulnerabilities that we possess, right? Yes. Yeah. For the cyber security, we are mostly dealing with the cyber attacks. And that cyber attacks mainly occurs due to a weak point in the system. These are called vulnerabilities. Vulnerabilities basically hai kya? They are the loopholes in any computer system. जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम कोड कर रहे होते हैं, तो हम उसी स्पेसिफिक्स को हम इंटीग्रेट करने के लिए, उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए हम उसमें कुछ एल्गोरिदम छोड़ देते हैं, जो कि आगे जाके हमारे लिए ही वीक पॉइंट बनती हैं. हमने रिसेंटली हमने सुना था मई 2017 में वॉन्नाक्राई रैनसमवेयर. सो वो था क्या? वो बेसिकली एक रैनसमवेयर प्रोग्राम था जिसने कि सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस को उसने टारगेट किया था. एमएस ऑफिस पे उसने टारगेट किया था और उसने बेसिकली हमसे रैनसम अमाउंट मांगा था बिटकॉइंस में. सो उसने बेसिकली किया क्या था, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम था, सीक्वल एल्गोरिदम सीक्वेंस था वो. एल्गोरिदम इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर अगेंस्ट अ कोडेड प्रोग्राम दैट वी यूज टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो. इट वॉज एन एल्गोरिदम दैट उसको क्या किया था, उस एल्गोरिदम को ब्लैक शैडो हैकर्स का ग्रुप है, उन्होंने उसको स्टील कर लिया था 3-4 months प्रायर टू द अटैक. दे यूज इट, दे स्टडीड इट, एंड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस के सिस्टम को टारगेट किया गया था जिनमें विंडोज ऑपरेट कर रहा था, और ये अटैक सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था. एंड माइक्रोसॉफ्ट हैड टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ रैंसम टू गेट रिड ऑफ इट. एग्जैक्टली. सो डू यू नो द अमाउंट दैट वाज बीइंग पेड? It was in billions actually, but the actual amount could not be traced because the amount that was asked or जो कि हमें माना गया था वो bitcoins में था, और bitcoin से कोई regulatory हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम उसको exact amount हम बता भी नहीं पाते, हम trace भी नहीं कर सकते उस चीज़ को. Okay, so अगर हम vulnerabilities को अगर हम classify करें, so we have many of them such as backdoor, denial of service, backdoor है. ये बेसिकली कॉमन हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी है जो हमारे सिस्टम में हमको मिलेगी. हम ये कहते हैं कि जो भी हम लैपटॉप हम पर्सनली हमने यूज़ किया हुआ, जो हमने कर रहे हैं यूज़, हम हमारे पास उसका कंप्लीट एक्सेस नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो पॉइंट ऑफ एक्सेस हैं, वो बैक डोर्स, वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं. अगर हम उन बैक डोर्स को हम एक्सेस कर लेते हैं, दैट मीन्स वी कैन से वी हैव हैक दैट कंप्यूटर. अगर आप देखें तो आप कभी भी आप सी ड्राइव में आप जाएंगे तो कई फाइल ऐसे हैं जहाँ पे आपको लिखा जाएगा यू डोंट हैव एक्सेस टू इट. व्हाई? बिकॉज दे कंटेन दीज बैक डोर्स. अगर हम उसको कंपेयर करें तो बैक डोर इज लाइक कोई घर है, उसका एक फ्रंट डोर है, एक बैक डोर है. फ्रंट डोर पे तुमने सिक्योरिटी लगा दी, बट बैक डोर का क्या करोगे? अगर कोई पीछे से अंदर आ गया तो उसके पास सब कुछ पूरा एक्सेस है. सो वही काम ही बैक डोर करता है, जिसका एक पॉसिबल एग्जांपल हमने वॉन्नाक्राई रैनसमवेयर में देखा था. वॉन्नाक्राई में देखा था. एंड देन वी हैव डिनायल ऑफ सर्विसेज. ये डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक हमने काफ़ी बार देखा है, कई बार तो गूगल पे भी हुआ है. बट द थिंग इज कि गूगल पर बार अटैक तो होता है, बट देर उनका सिस्टम इतना डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यू नो इट्स अटैक वेयर अ पर्टिकुलर मशीन और अ सिस्टम इज मेड अनअवेलेबल टू द यूजर्स. डिनाइल ऑफ सर्विस कई बार वेबसाइट पर हमने देखा होगा, जब हम कहते हैं वेबसाइट क्रैश हो गई है, वो अवेलेबल नहीं है. सो वो दो रीज़न से होती है, या तो वो इंटेंशनली हुई है, या फिर वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ गया कि हो गया. अब उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है, हमने उसको इतना ओवरलोड कर दिया कि उसकी कैपेसिटी ही डाउन हो गई. आई गिव यू एन एग्जांपल. हैव वी सीन एड्स कमिंग ऑन योर सिस्टम व्हेन वी आर ब्राउजिंग समथिंग? सो दे हैव बीन पॉपिंग अप
again and again, and we cannot access the content which is lying exactly underneath. Okay, so these are termed as adwares. So you, there's a categorization I would like to add, sorry to intervene, but then I'd like to specify here, as we are talking about cyber security. First of all, anything which is related to our cyber space, it is concerning the security as well. That is why securing that cyber space is termed as cyber security. Now, we should have discussed in the initial part as well, in layman terms, that, Himanshu, please pay attention. So if I talk about the cyber security means subsequently thing that comes to the mind is viruses or threats, vulnerabilities. So because we all are very well renowned in terms of, well versed in terms of viruses. We might not be knowing what are malwares, we might not be knowing what are backdoors, we might not be knowing that what is man in the middle attack, we do not know denial of services attack. But we know one thing, that is viruses or threats. Now, viruses kya hote hai? We should explain about viruses because it plays a very important role under cyber security. So talking about viruses, there are some programs which have a malicious intent. So let's say I want to have access to your data. If suppose you have your mobile device and I need to have access to the data of your mobile device, maybe I want to access all the contacts that you have, or maybe I want to send a message through your number, but it is going from my end, but the amount is getting deducted from your mobile phone. Right? It can happen. So it all falls under your cyber security. These are certain kind of viruses. Aapne Trojans ke baare mein suna ho, ye Trojan horse, sab bachon ko pata hota hai aajkal. So it is all under viruses, and these are forming a very important role under cyber security. So why we say these are known as malwares? Any idea that we, why we call them as malwares? Malware stands for malicious softwares. So any software, any application which you are downloading in your mobile, and it is asking you 4-5 permissions, allow contacts, allow gallery. Do we, whenever we install any application, do these things pop up in front of us in Android phones? Aisa aata hai na ki allow permission to your gallery, allow permission to your contacts. And what we do, why we have to install it, because we have to install it, so we hardly care about the security. And we just click on tick, 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 install, without saying what kind of permissions are being asked on our mobile device. Because every single permission that you are taking mark on, that is playing a very crucial role in manipulating with your mobile device. So likewise, agar aapke laptop mein, aapke phone mein, agar aise malwares hain, they are tracking you at every single minute. So if you are interacting, if the permission has been taken from that application that allow access to your voice, so they are recording your voice, and whatever keywords, suppose I am talking to someone that, you know, will buy a CS. So if we will buy a CS, so I, that word that has been picked up is CS, and all the ads related to CS will be popped up if that is a marketing application which has an intent to fetch the data, okay, to ensure it, right? So these are what? These are all the categorization of viruses or malware which fall under cyber security. Of course, we should have sufficient knowledge about it, but our topic should not be too much derailed in terms of malwares or viruses, because it forms a very crucial sub part. So jab aap cyber security cover kar rahe ho, to aap pehle kya bataoge? What is cyber space? What is securing the cyber space? What are the threats and vulnerabilities? And what are those threats and vulnerabilities? Your malwares, your viruses, and you can give examples like Love did about the examples of denial of service attacks, backdoors, yeah, WannaCry, ransomware, jo bhi aaya tha. Jo aapke recent current affairs hai, you need to incorporate that. But of course, you need guidance for that. So, aap recent malware attacks agar aap dekhoge, ya recent cyber security attacks aap dekhoge, to aapko dikhega. So, try and incorporate that in your essay. Okay? So, it is going to give a very good impact. Right? Ma'am, sorry, yes, the example of applications you gave, we must have heard about GB WhatsApp or WhatsApp Plus. Yes, because in the genuine WhatsApp or the official WhatsApp that we use, we have an option of backup. Yes.
जो हम डाटा बैकअप करते हैं वो हमारे क्लाउड पे जाता है जो हमारा लिंक्ड है, बट ये जो थर्ड पार्टीज ऐप थे जीबी व्हाट्सएप था, ये जो व्हाट्सएप प्लस था, आप इनको आप इंस्टॉल करो, यू क्लिक ऑन बैकअप डेटा, वो डेटा आपको वो दिखाएगा कि बैकअप हुआ है, बट वो कभी आपके क्लाउड पे जाता ही नहीं है। सो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितने भी आपने मैसेजेस आपने शेयर किए, जितने आपने मीडिया शेयर किए, जितने आपने परमिशन दी, वो ऑफिशियल व्हाट्सएप तक तो पहुँची नहीं, बीच में थर्ड पार्टीज तो पहले ही आ गए अपना काम करने के लिए। सो नेक्स्ट डिनायल ऑफ सर्विसेज। अब डिनायल ऑफ सर्विसेज के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सर्फिंग कर रहे हैं, और कई बार ऐसे हम सर्फिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग इन डिटेल फॉर पर्टिकुलर जीन, फॉर एग्जांपल से मैंने कोई भी जीन एक सर्च की और मैं उसके बारे में सर्फिंग कर रहा हूँ, एंड सडनली आई एम रीडायरेक्टेड टू अ पेज ऑफ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, अगर अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दो तरीके से होता है, एक सिंगल आईपी एड्रेस और एक मल्टी आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, हमारे जो भी हम सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसे एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किसी एक आईपी एड्रेस से होता है तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, एक फायरवॉल रूल हम अप्लाई करते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। बट अगर जो अटैक है अगर वो मल्टीपल सर्विसेज से या मल्टीपल आईपी एड्रेस से होता है तो उसको ब्लॉक करना मुश्किल होता है, और ऐसा ही अटैक गूगल पे हुआ था जिसको उन्होंने 3.4 सेकंड्स के अंदर उन्होंने ऑल दो उसको रेक्टिफाई कर दिया था, बट उनका लॉस काफ़ी हुआ था। अब कोई भी अटैक है उसके पीछे एक पर्पस होता है। अब डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक के पीछे दो पर्पसेस होते हैं, या तो फाइनेंशियल या क्लासिफाइड फाइल्स। फाइनेंशियल कैसे होता है, जितने भी हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या गूगल हमारे पास हो गया, इनका पर सेकंड का जो ट्रैफिक होता है उसका चार्ज होता है। सो अगर मैं उस ट्रैफिक को ही डाइवर्ट कर दूँ, मैं उस ट्रैफिक को ओवरलोड कर दूँ, वेबसाइट अनअवेलेबल, तो उनका लॉस हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आता है क्लासिफाइड फाइल्स, अगर मैंने किसी एक वेबसाइट को मैंने ओवरलोड कर दिया, सो वो वेबसाइट औरों के लिए तो अनअवेलेबल है, बट आई कैन एक्सेस इट, सो मीनवाइल वो औरों के लिए अनअवेलेबल है, मैं उसमें से अपनी फाइल एक्सेस कर सकता हूँ। और सेम अटैक हुआ था रोम लेबोरेटरी पे, जो कि यूएस एयरफोर्स का फेडरल, मतलब यू कह सकते हैं चीफ फैसिलिटी थी। सो वहाँ पे हैकर्स ने किया क्या, उन्होंने उसको हैक किया और उन्होंने काफ़ी सारे फाइल्स उन्होंने एक्सेस कर लिए थे, और नासा के कंप्यूटर में जो कि कनेक्टेड था उसमें उन्होंने एंटर किया, और काफ़ी उनके फ्लाइंग पोर्ट्स के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली। एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सेस अटैक्स। यस, सो मैम कैन वी कम एट सिस्टम दैट रिस्क एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो बेसिकली जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, हमारे पास जो सिस्टम रहते हैं जिन पे हम कहते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं अटैक के लिए, वो हो गए हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम्स, हो गए गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो मार्केटिंग्स होती हैं वहाँ पे आ गए हम। उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री हो गई। अभी हमने रिसेंटली एक ट्रेंड नोटिस किया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ एयरपोर्ट्स जिन्होंने अपने पर्टिकुलर नेटवर्क अलग सेटअप किया है ताकि वो इन अटैक से बच सकें, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री में भी पर सेकेंड के लिए काफ़ी उन्होंने कॉस्ट उनको चार्ज हो जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स वी हैव सीन, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं नाउ दे आर कंप्यूटर एडेड। सो इनके सपोज मैं कोई BMW खड़ी है, वो कंप्यूटर एडेड है, अब मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको सिस्टम को हैक किया, BMW मेरी हो गई। अब जिसका वो ओनर है वो तो रह गया, मैं तो ले गया उसको BMW को। सो ऑटोमोबाइल्स में भी एक रिस्क बढ़ चुका है। नाउ फॉर एट इंडिविजुअल लेवल वी ऑल हैव मोबाइल फोन्स हमारे पास हैं, हम उसके थ्रू भी हम अटैक कर सकते हैं, काफ़ी मतलब हमारे पास सिस्टम्स हैं। एंड नाउ फॉर गवर्नमेंट ऑफ रोल, आई मीन रोल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या है, हमारे पास अगर हम देखें तो हर स्टेट पुलिस के पास एक साइबर सेल होता है जो कि साइबर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर साइबर क्राइम कैसे, इंडिया में जो हमने बेसिकली हमने देखे हैं, टेम्परिंग हो गई, फिशिंग हो गई, स्पूफिंग हो गई, द पर्सन विल कॉल यू, ही और शी विल इम्पर्सनेट हिम और हर एज बैंक ऑफिशियल, और यू नो दे विल कॉल यू लाइक मैं कैनरा बैंक से बोल रहा हूँ या मैं SBI से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड नंबर ये है, आपका OTP नंबर आप डालेंगे या वो आपको URL डायरेक्ट कर देगा, आप उस पर इन्फॉर्मेशन डालिए एंड ऑल योर डिटेल्स आर सेंट। हमारे कंट्री में लेजिस्लेशंस क्या है सर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर? लेजिस्लेशन सर, बेसिकली वी हैव बॉडीज फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू स्टेट लेवल वी हैव साइबर सेल्स, नाउ इफ यू कम टू यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल वी हैव NTRO एंड बेसिकली डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स, सर्वेलेंस हो गई, डिजिटल सिक्योरिटी हो गई। In the courts of Indian courts, any conviction for such kind of activity?
Any conviction? We don't have any specific legislation for cyber security in India. That is the biggest thing. That's why people are fearlessly involving themselves into it, and that is why they are trying to make quick money out of all the activity. Because if anything is connected to the internet, we can say we have very few chances to control it. Yes. Because internet हम जितना सोचते हैं उतना है नहीं. हम जो भी पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, वो सिर्फ सरफेस को एक्सेस कर पाती है. डीप वेब जो कि अनएक्सेसिबल है, वो तो उनको पता ही नहीं है उन्हें. अब अगर थ्रेट्स डीप वेब से आ रहे तो कॉमन पब्लिक करेगी तो करेगी भी क्या. इनफैक्ट गवर्नमेंट सिस्टम से बचते हैं, दे आर नॉट ट्रेसेबल. आप वीपीएन भी यूज़ करते हो तो वीपीएन भी एक लिमिट तक ट्रेसेबल है. वीपीएन में भी अगर आप लॉग इन करो तो उसमें कई सारे सर्किट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट इज़ बेसिकली नेटवर्क दैट. Okay, so all we have studied about cyber security is we need cyber security can say branch that deals with the security of cyberspace, or I can say in the layman terms, security of softwares, hardwares from theft, damage, information, misdirection of information, and many other aspects. Next also, next world was going to be a cyber war, right? Yes. Thank you.